नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप बीजेपी से रिजाइन मार करके इसमें आई हैं, कौन से ऐसे रीजन थे जिस वजह से आपने रिजाइन मारा? देखिए, मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ है। नॉमिनेशन में मुझे 3 कॉलम के लिए इंडिकेट किया गया कि मैंने कॉलम खाली रखा है, पर मैंने रीट याचिका दायर की है, मेरे कॉलम भरे हुए हैं। मेरे कॉलम भरे होने के बावजूद भी मेरे शपथ पत्र के लिए मांग जो किया गया उसमें आप जा करके देखेंगे 88/13/2020 हाई कोर्ट के वेब पोर्टल पर जाइएगा, मेरे केस को स्टडी करेगा, मेरे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है वो आप प्रत्यक्षदर्शी और नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो मैम, आपके और आपके पूरे टीम का समर्थन लव सिन्हा जी के साथ है, क्या उम्मीद है लव सिन्हा जी जीत पाएंगे? मैं कांग्रेस नहीं ज्वाइन की हूँ, मैंने सिर्फ समर्थन दिया है। मेरे जनता जो लोग मेरे थे वो लोग पूछ रहे थे कि आखिर अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो हम लोगों ने यही कहा कि किसी न किसी को तो समर्थन देना है। वो लोग जिनको मुझसे भय था, जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरा नॉमिनेशन रद्द करवाया, साजिशाना रद्द करवाया, आज मैं इतना ब्लेम कर रही हूँ, कोई नहीं क्यों जवाब दे रहा है। मैम, अगर मैं आपको चोर बोलूंगी तो आप मुझे कहिए आकर के मेरे को आप स्लैप करिएगा ना, और मुझे जवाब दीजिएगा ना कि हाँ मैंने चोरी करी है कि नहीं, तो आप मुझे चोर कैसे बोल रहे हैं? तो मैं तो इल्जाम लगा रही हूँ कि मेरा साजिशाना हुआ है, तो मुझे क्यों नहीं जवाब कोई दे रहा है? मैम, क्या भाजपा के बागी नेता जो कि आप हैं, ये नितिन नवीन जी का राह कठिन कर सकता है? कठिन हो चुका है।